नमस्कार। आज बहुत लोगों के निवेदन पर, उनके आग्रह पर, सिंह राशि पर विस्तार से हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण होगा, डीप एनालिसिस, गंभीर अध्ययन करने के बाद किसका ग्रह कहां पर चलता है ये अलग विषय है, उसको हम इंक्लूड जरूर करेंगे। लेकिन सिंह राशि के स्वभाव और प्रभाव के बारे में बात करेंगे। आपका जो शंका समाधान है वो करने के लिए हम ये वीडियो बनाना उचित है और आवश्यक भी है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि आप जॉडिक साइन, सन साइन, मून साइन कौन सी राशि से प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए, हम सिर्फ आपको बताना चाहेंगे कि जो जब आपका जन्म होता है, जो आपका लग्न चार्ट होता है, उसके अनुसार आपकी लाइफ के लक्षण, करेक्टरिस्टिक्स और आपका स्वरूप, आपका स्वभाव बन जाता है। वो जीवन भर काम आता है आपके, और वो स्वभाव फिर कोई बदल नहीं सकता। भगवान ने आपको एक स्वरूप, एक स्वभाव, आपके जीवन में सभी ग्रहों के करेक्टरिस्टिक्स परमानेंट एक लक्षण बना दिया। मंगल यहाँ बैठा है, शनि यहाँ, भाग्य ऐसा है, ये है कुंडली का विश्लेषण। लेकिन चंद्र कुंडली क्यों बनाई जाती है? जीवन भर जो जो आप एक्शन करते हैं, आज आपको कौन सा भोजन मिलेगा, कैसे वस्त्र पहनोगे, आप कौन सी यात्रा करोगे, किस दिशा में जाओगे, ये ग्रह गोचर के अनुसार, ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजिशन के अनुसार आप एक्ट करते हो। क्योंकि लक्षण आपका जो बन चुका, जो महादशाएं निर्धारित हो चुकी, उनके अनुसार तो आपका जीवन चलेगा। लेकिन डेली रूटीन में आप जो काम कर रहे हैं, आपकी कुंडलियों का जो ग्रह है, आज की समय में जो ट्रांजिट ग्रह हैं, उनका समावेश, उनका जो सामंजस्य है, उसके अनुसार आपके ग्रहों का निर्धारण होता है। लेकिन डेली रूटीन में सबसे अधिक प्रभाव गोचर ग्रहों का, चंद्रमा, सूर्य का। देखिए, एक दिन का अगर आप देखना चाहते हैं अपना भविष्य, तो चंद्रमा से आपको एक दिन का पता चल जाएगा आपका चंद्रमा कहाँ है। आज आपको भोजन अच्छा मिलेगा, द्वादश भाव में चंद्रमा तो झगड़ा, गुस्सा, व्यर्थ की भागदौड़ होगी। लेकिन एक महीने का अगर भविष्य जानना है, तो हम सूर्य को आधार मान करके ट्रांजिट करते हैं, को देखते हैं कहाँ कहाँ चल रहे हैं। सूर्य के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग प्लेनेट बुध और शुक्र 30 और 60 डिग्री से आगे नहीं जाते, कभी भी साथ में रहते हैं। यही कारण है कभी सूर्य अस्त के साथ कोई ग्रह अस्त होता है या वक्री मार्गी भी होता रहता है। अब मंगल ग्रह की स्थिति भी इसी तरह से शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं बचे, राहु, केतु और शनि और बृहस्पति, ये किसी का को फॉलो नहीं करते, ये किसी के बंधन में नहीं है। इनकी गति बिल्कुल अलग है सूर्य की गति के साथ, शुक्र और बुध की गति का मान सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ साथ ही रहते हैं, 30 डिग्री आगे पीछे नहीं जाते। मंगल वक्री और मार्गी होने के कारण ये भी स्वतंत्र है और ये अलग अलग स्वभाव और प्रभाव दिखाता है। अब हम सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह मंगल होता है और सूर्य इनकी राशि का स्वामी है, तो ज्यादातर पूरी लाइफ में इन दो ग्रह के शुभत्व और इनके कारण ही इनको उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, ये सारी राजनीति आपकी लाइफ की इन दो ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमती है और बाकी ग्रह तो सपोर्टिंग प्लेनेट के रूप में काम करते हैं। अब हम सिंह राशि के उन जातकों की बात कर लेते हैं कि जिनकी कुंडली में मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। चार चरण मघा, चार चरण पूर्वा फाल्गुनी, एक चरण उत्तरा फाल्गुनी।
अब केतु की दशा मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों की। आपकी कुंडली में 26-27 साल की एज के बाद वाले बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि 27 वर्ष तक मनुष्य अपने कैरियर को संभालने के लिए पढ़ाई कोर्स करना या बिजनेस सेटल तक जितने भी हाथ पैर अपने चलाने हैं, जितने प्रयास करने हैं, लक्ष्य को निर्धारित करना है, पढ़ाई करनी, कोर्स करने हैं, ये सब निवृत्त हो जाता है। 27 के बाद का जो फोकस है सिर्फ उस पर बात करेंगे। 27 से 33 की एज तक सूर्य आपके लिए आपको चमका देता है। तप करते हैं आप, बहुत अच्छे वाला तप, बहुत सुंदर ढंग से आप अपनी व्यवस्था बनाते हैं, और उसके बाद 33 से 43 तक चंद्रमा की दशा आपको बाहर भेज देती है कमाने के लिए। जाओ कमाओ, विदेश जाओ, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, या बाहर से, बाहरी रिसोर्सेज से आपको बहुत लाभ होने लगता है। मंगल की दशा में आपको इतनी बड़ी सपोर्ट मिलती है कि मैं उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। कारण क्या है? मंगल योग कारक होता है सिंह राशि के लिए। आपके लग्न कौन सा है, कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के आधार पर और आपके जीवन साथी के साथ किस प्रकार का आपका अष्टकूट मिलान और एवं किस तरह से सामंजस्य है। और राहु की दशा 18 वर्ष फिर बृहस्पति एवं शनि की कंटिन्यूटी बनती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए युवावस्था में 26 वर्ष की एज के बाद के जो युवा हैं उनकी चंद्रमा की महादशा, और चंद्र मंगल और राहु ये इनके लिए वरदान बन जाते हैं, और बृहस्पति एवं शनि भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि की महादशा में रोग उत्पन्न होते हैं, जॉइंट पेन, हड्डियों से संबंधित बीमारियां। सिंह राशि वाला किसी भी एज का हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा तो उनकी आप ये देखिए 23 साल की उम्र तक मंगल दशा रहती है। 23 के बाद वाला जो कैरियर है उसकी बात कर लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है तथा सिंह राशि। अब 23 से 41 के बीच में आपकी राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी। ये आपको बहुत बड़े बड़े अनुभव, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, एक्सपीरियंस तथा रेस्पेक्ट देती है। ठीक इसी प्रकार उसके बाद जो दशाएं आपके लिए शुभ होंगी, 41 तक राहु और 57 तक बृहस्पति शुभ परिणाम भी देगा। संतान की निरंतर उन्नति, तरक्की, पैसा, और आपकी संतान बहुत प्रतिभावान होगी। उसके बाद शनि आपके लिए रोग कारक होता है 19 वर्ष तक, बुध आपके लिए वरदान बनता है। यद्यपि द्वितीय भाव का स्वामी होकर वो मार्केश जरूर रहता है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर राशि के अनुसार इनकम हाउस का लॉर्ड भी बनता है, और कमा करके संचित धन, बैंक बैलेंस जो सेकंड हाउस है आपका, वो संचित धन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सेकंड हाउस के लॉर्ड की भी दशा होती है वो। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि का जो जीवन का सफर है वो इस तरह रहता है। और गोचर स्थिति को देखते हुए अभी अगले 14 महीने 18 जून 2025 तक ये राहु का केतु कुछ कष्टकारक बने हुए हैं। जिनकी कुंडली में पहले से ही, जैसे सन 1987 में जो जन्म लिया होगा, या उससे पहले या उसके बाद, जब जब राहु और केतु की जो पोजीशन पाइसिस एंड वर्गो साइन में 180 डिग्री पर आई है, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर सिंह राशि टिल 18th जून 2025।
इसीलिए आपको क्या करना है, आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान पूजा का स्थान आपके इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता प्रसन्न हो, इसके लिए आपको सात दिन सोमवार से रविवार तक हनुमान चालीसा में लास्ट में एक लाइन आती है, पंक्ति आती है, जो सत बार पाठ कर कोई, तो हमने इसके अर्थ को ढूंढा पढ़ा और इसका अर्थ लगाया। लोग सोचते हैं कि 100 बार पाठ करो, क्योंकि आप सन्यासी नहीं है, आप महात्मा नहीं है, आप साधक नहीं है, आप जीवन में अपनी नौकरी करोगे या 100 बार बैठ करके पाठ करोगे, इतना समय नहीं है किसी के पास। हनुमान चालीसा ठीक अगर अच्छी स्पीड से और कंठस्थ है आपको तो 1.5 या 2 मिनट में ये समाप्त हो जाता है, पाठ संपन्न हो जाता है, आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर है। 7 बार कंटिन्यूटी बनी रहे, 7 बार 7 दिन लगातार रोज करें। तो कुछ लोग बोलते नहीं 7 बार, ऐसा नहीं है, 7 दिन यानी कि निरंतर, जो सुमरे हनुमर बरबीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर शब्द का प्रयोग किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। जो 7 बार पाठ कर जोई कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। महासुख साधारण सुख की बात नहीं की है, देखिए कैसी कैसी पंक्ति आई है, बहुत सुंदर। नासे रोग हरे सब पीड़ा, पीड़ा को भी हर लेता है। और एक पंक्ति है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। और इसके अलावा जो दायक फल चार फल देने वाला है। एक व्यक्ति से पूछा किसी ने कि भाई श्री गुरु चरण सरोजर निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, ये चार फल कौन से हैं। तो वो अज्ञानी था, उसने कहा यही केला संतरा अमरूद सेव, यही होंगे फल, और कौन से। तो आपको बताता हूँ, जब आप हनुमान चालीसा का श्रद्धा के साथ नियम से पाठ करते हैं, जो दायक फल चार धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आपके कष्टों के निवारण के लिए कलयुग में हनुमान जी को वरदान है कि जो आपकी उपासना प्रार्थना करेगा वो संकटों से मुक्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।